रानी नहीं है तो क्या हुआ, ये बादशाह आज भी लाखों दिलों पर राज करता है। मेरे डबुवती भोसले काली कार है, मेरे डबुवती भोसले काली कार बैठे कार विच मेरे चुनु में जे यार। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो भाई सब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल ही नए वीडियो में, और गाइस देख सकते हो भाई का जो लेवल है देख सकते हो यार 62 है। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं, और बहुत ही मजा आने वाला वीडियो में, तो लास्ट तक जरूर देखना। और भाई मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, तो भाई उधर मैसेज करना, ठीक है। तो भाई हम लोग को देख सकते हो भाई सब हमारा ड्रेस कलेक्शन या फिर कॉम्बिनेशन बोल सकते हो। तो भाई सब ड्रेस कॉम्बिनेशन की बात करें तो भाई हमने ये कोबरा वाला हेयर यूज़ किया भाई, हमारे फ्री फायर की बात ही कुछ अलग है भाई सब। टी शर्ट वगैरह भी देख सकते हो एकदम रियलिस्टिक लगती है। और भाई हमने पेंट जो यूज़ किया भाई ये ब्लैक पेंट जैसे ही है, बट देखो यार थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो भाई के पास कोबरा बंडल पूरा परमानेंट है, तो देख सकते हो कोबरा बंडल भाई साहब क्या ही बात है यार, एक लेजेंडरी बंडल है भाई साहब, सबको पता है मेरे को भी आपको भी, क्योंकि इसके साथ चार चार ड्रेसेस मिलते हैं, चार चार हेयर स्टाइल सब कुछ भाई चार चार मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो ये हरा पीला नीला बैंगनी सब कुछ मिल गया। तो भाई साहब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे भी देख सकते हो यार भाई बहुत ही अच्छे अच्छे ड्रेस कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, बहुत ही अच्छे अच्छे बंडल भी है। तो भाई देखो हमारा पहला देखो मतलब सॉरी तीसरा बंडल देख सकते हो, ये रंग वाला देख सकते हो भाई, ये होली में आया था भाई, होली वाले इवेंट में, तो भाई ने इसको भी उठा कर रखा है, तो क्या ही बात है यार, मज़ा आ गया देख के। तो भाई ऐसे ही बहुत सारे बंडल है भाई को, बहुत ही अच्छे अच्छे बंडल भाई ने रखे हैं। तो यार उसके बाद देख सकते हो ये रोकर स्टेड वाला बंडल, तो बोले तो टोटल भाई के पास टॉप देख सकते हो गाइस 195 है, तो इसमें से अप्रोक्सीमेटली पकड़ सकते हो भाई 180 या फिर भाई 175 आप मतलब पहन के खेल सकते हो। उसके बाद देख सकते हो ये वाला भाई साहब, देखो यार फंक वाला भाई साहब, मिस्टर फंक है ये, एमसी फंक भाई इसका नाम ही कुछ अलग है भाई साहब, लेकिन भाई इसका हेयर स्टाइल और जर्सी पैंट बोल सकते हो, इसको जर्सी वगैरह बोल सकते हो भाई, ये भी बहुत ही मतलब ज़्यादा ही मतलब क्या ही बोलेंगे ओपी है, ठीक है। उसके बाद हमारा ये देख सकते हो रिच वाला बंडल है भाई, जिसका टॉप देख सकते हो भाई का, और भाई हमारा आ चुका स्टील काउबॉय वाला बंडल। उसके बाद हमारा स्क्रो वाला इलाइट पास का बंडल है, फिर आर्थिस टाइगर बंडल देख सकते हो गाइस, ये तो भाई सबके पास होता ही होता है। उसके बाद यार ये मैजिशियन वाला बंडल देख सकते हो, ये इलाइट पास के बंडल है गाइस। उसके बाद भाई के पास बहुत सारे इलाइट पास हैं, मतलब 5-6 तो होंगे भाई। इसके बाद ये वाला इलाइट पास देख सकते हो भाई, ये हेटर वाला इलाइट पास का बंडल है भाई साहब, क्या ही बात है यार भाई, इलाइट पास के इमोट बंडल वगैरह बैकपैक सब कुछ है ना भाई के पास। देखो ये ब्लाउंडिंग वाला भाई, ब्लाउंडिंग लेड भाई, ये भी इलाइट पास भाई के पास पूरा है। तो यार इंस्पेक्टर बुशर वाला ये वाला इलाइट पास भी भाई के पास है, तो भाई ने मतलब पुराने ओल्ड इलाइट पास वगैरह सब कुछ कलेक्ट करके रखा है। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये हमारा बैंडेड वाला बंडल है, फिर हमारा आखिरी इलाइट पास का बंडल ये है भाई, इलाइट पास के बाद अभी बुया पास शुरू हो गया, आपको तो पता ही है गाइस। तो चलो यार हम लोग भाई और भी बंडल देखते हैं और अच्छे से कलेक्शन का रिव्यू करते हैं। तो यार देख सकते हो गाइस ये वाला भाई, ये देखो यार क्या है ये भाई, रबड़ी वाला बंडल भाई, ये रबड़ी वाला का पेंट बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि घुटने में लाइटिंग आ रखी है ना। उसके बाद देखो ये BTS का बंडल है भाई, ये नाइट मेरे वाला बंडल है भाई, इसका मास्क भाई मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, आपको कैसा लगता है कमेंट में बताना, क्योंकि यार ड्रेस कॉम्बिनेशन में मास्क इसका अच्छा यूज़ हो जाता है। फिर BTS का ये वाला बंडल तो भाई ये मतलब गुलाबी, ये तो मुझे नहीं लगता इसको कोई पहन के खेलता होगा, बहुत ही कम बंदे खेलते हैं, ठीक है। उसके बाद ये 6 वाला बंडल देख सकते हो भाई, इसी का हमने पेंट जो ड्रेस कॉम्बिनेशन में यूज़ किया था गाइस, ये भी बहुत ही अच्छा लगता है मुझे इसका ड्रेस कॉम्बिनेशन बनाना। उसके बाद देखिए सुल्तान ऑफ लिप्स भाई, भाई नाम देख रहा ना भाई गजब गजब है। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये वेनम टच वाला भाई, इसको वेनम टच बोलते हैं क्योंकि इसको वेनम ने टच कर दिया था, इसीलिए भाई ये पूरा बॉडी बना कर रखा। ओ भाई साहब स्ट्रीट बॉय बंडल भाई के पास पूरा परमानेंट है, इसका जूता बड़ी फेमस है भाई, बहुत सारे बंदे इसको यूज़ करके खेलते हैं भाई, इसका आग भी निकलते रहता है, स्केटिंग वाला शूज़ है ना भाई इसीलिए। फिर जोकर वाला बंडल पार हो गया हमारा। उसके बाद देख सकते हो भाई जोकर का खोपड़ी आप कहीं भी लगा सकते हो, मतलब कहीं पर भी लगा के खेल सकते हो। फिर हमारा ये कैप्टन मार्कर आ चुका भाई, आर्मी वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए भाई, इधर से सैल्यूट मेरी तरफ से, ठीक है गाइस। तो उसके बाद हमारा देख सकते हो गाइस फ्रॉस्टी वॉश, फिर वेनम वाला बंडल आ चुका है भाई, इसका आप हेयर स्टाइल भी यूज़ कर सकते हो भाई, काफ़ी बंदे करते हैं यार यूज़,
समझ रहे हो ना। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये हमारे देसी गैंगस्टर वगैरह आ चुका है, और फिर बाकी रैंक टी शर्ट वगैरह तो है ही है भाई के पास, ये सब भी आप पहन के खेल सकते हो। और ये एक बंडल भाई, मतलब ये पेपर कट वाला बंडल भाई, ये भी रेयर है यार, मुझे नहीं लगा था भाई कि भाई ये इधर है भाई के पास। तो इसको स्टार मार्क तो मिलना चाहिए यार, तो भाई इसको स्टार मार्क कर ही देते हैं क्या, कर दे क्या भाई। तो चलो यार स्टार मार्क कर दिया भाई के पास। तो चलो यार अगला बंडल देख सकते हो, ये पार्कर वाला बंडल भाई, ये भी एक इवेंट में मिला था, फ्री में मिला था यार, ये नॉट वो कलेक्शन वाला फ्री वाला बंडल है, तो भाई ये तो बात माननी पड़ेगी। उसके बाद ये भाई क्या वेरी विश वाला था भाई, पाइथन वाला। उसके बाद देख सकते हो गाइस हमारा समर हार्ट फिर आ चुका, अज्जू भाई वाला बंडल देख सकते हो गाइस। अज्जू भाई इसका जो टॉप है ना भाई पहन के, वो ड्रेस कॉम्बिनेशन बना के खेलते हैं ना, वो पेरोड वाला जो हेलमेट लगाता है अज्जू भाई, ठीक है। उसके बाद देख सकते हो गाइस ये हमारा आ चुका भाई, ये पुराना वाला जो मैजिक में मिल रहा था भाई, ये भाई ये वही बंडल है, शूट है, मतलब पूरा शूट है, समझ रहे हो ना। तो गाइस ये देखो हमारा पंकिन वाला आ चुका है, पंकिन वॉरियर। फिर ये डंक मास्टर आ चुका है, ये डंक मारता है, लेकिन इसका हेड नहीं है भाई, मतलब हेयर स्टाइल इसका कुछ नहीं है, आप कोई भी सभी लगा सकते हो, पर जर्सी है मतलब नीचे का और ऊपर का, ठीक है। तो बाकी यार वगैरह टी शर्ट वगैरह बहुत सारे हैं, तो भाई ये सब भी पहन के आप लोग खेल सकते हो, लेकिन इस वेस्ट हाइट नहीं करता ये, इसीलिए भाई मैं तो नहीं पहन के खेलूँगा, आप खेल सकते हो तो खेल लेना, ठीक है। तो यार हम लोग चलो चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ते हैं। और भाई शूट की बात करें तो भाई के पास मैकलेरन वाला ये शूट है, जो ड्राइविंग शूट है, ठीक है। तो हम लोग ईवो घोड़े की बात करें तो गाइज ईवो घोड़े में आ चुके हैं, और भाई के पास ईवो घोड़े की बात करें तो यार भाई के पास कोबरा MP40, ओनली कोबरा MP40 भाई के पास ईवो घोड़े में है। तो भाई हम लोग अपना देखेंगे यार ईवो घोड़ा का, तो चलो यार नॉर्मल घोड़े की तरफ चलते हैं। तो भाई नॉर्मल आर्मी में आ चुके हैं, और भाई इंफोरन की बात करें देख सकते हो भाई लेजेंडरी वाली स्किन है भाई, ग्लेशियर वाली भाई, पाँच पाँच स्किन है भाई के पास। एक की बात करें तो देख सकते हो सात स्किन है, उसमें से लेजेंडरी कोई भी नहीं है, जो है भाई सीधा बात बोलते हैं अपन भाई, घुमा फिरा के नहीं बोलते, ठीक है। तो गाइस आगे बढ़ते और आगे देख सकते भाई क्यूपिड स्कार भाई के पास पूरा पूरा परमानेंट है। तो भाई क्यूपिड स्कार एक टाइम में बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ करता था फ्री फायर में भाई, हर एक बंदा सबको एक ही चीज़ ज़्यादा था, ड्रैगन एके और क्यूपिड स्कार। पहले जब से ईवो गन आया भाई इनकी तो कोई इज्जत ही ना रह गई है। अग वगैरह का भी देख सकते हो स्किन है भाई के पास पाँच पाँच। पाराफल की भाई देखो ये भाई इंक्लूएटर वाली स्किन थी, तो यार देख सकते हो भाई ये एक भाई अच्छा गन है, ठीक है। तो आगे बढ़ते और आगे देख सकते हो यार ये एशियटी वगैरह की कोई लेजेंडरी स्किन तो है नहीं भाई। भाई UMP की बात करें तो आर्ट ऑफ वॉर आपको मिल जाएगा गाइस, तो भाई बहुत ही हार्ड, और MP5 में भी अच्छी वाली मिलेगी भाई, ये देखो नट क्रेकर वाला MP5। और MP40 की बात करें तो आपको ये एक क्लोन वाली MP40 मिल जाएगी, उसके बाद एक कोबरा MP40 तो आपको पता ही है भाई भाई के पास है। तो यार P90 वगैरह की भी अच्छी अच्छी स्किन है, तो चलो यार थम्सन की भी देख लेते हैं भाई सब, थम्सन की पाँच पाँच स्किन है। तो टोटल गाइस कलेक्शन आपको, मुझे तो भाई बहुत ही अच्छा लगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। और आगे बढ़ते और आगे भाई जैसे कि शॉटगन की बात करें तो भाई के पास शॉटगन ऐसे कोई अच्छा वाला शॉटगन है नहीं। तो यार हम लोग चलते हैं जल्दी से। और फिस्ट वगैरह की बात करें तो फिस्ट में कोबरा फिस्ट आपको मिल जाएगा परमानेंट पूरा बहुत ही हार्ड गाइस। तो बाकी का देख सकते हो गाइस ग्लोबल वगैरह की बात करें तो वो भी चार स्किन है टोटल यार ग्लोबल की बात करें तो भाई, नॉर्मल कलेक्शन था ग्लोबल में। तो हम लोग इमोट वगैरह को कैसे छोड़ सकते, तो भाई इमोट की बात करें तो हम लोग कोबरा भाई आज देखेंगे भाई, कोबरा इमोट ही भाई के पास पूरा भरा पड़ा हुआ है। तो पहला कोबरा वाला इमोट ये वाला डांस वाला भाई सब जो स्टेज डांस भाई, उसके बाद देख सकते हो ये भाई ग्राउंड पंच कोबरा का, तो भाई ये एक इवेंट में शायद आया होगा भाई, इवेंट से भाई ने निकाला है। उसके बाद ये कोबरा वाला भाई सब, ये विक्ट्री वाला है भाई सब, क्या बात है। तो आगे बढ़ते हैं और ट्रिपल किक वाला इमोट देख सकते हो भाई, टोटल भाई के पास 29 इमोट है। और इनमें से देख सकते हो गाइस ये देखो यार भाई ये कैसे सोता है ना यार भाई, और उठता है अचानक से डर लगता है मेरे को। तो यार ऐसे ही बहुत सारे इमोट है, जैसे CR7 का ये इमोट देख सकते हो, फिर ये भांगड़ा वाला इमोट देख सकते हो, फिर लोल इमोट भी भाई के पास पूरा परमानेंट है। तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, नहीं तो बहुत लोग बोलते हैं कि लोल इमोट नहीं है भाई के पास, तो लोल इमोट भी परमानेंट है, ठीक है। तो और एक बात गाइस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगे तो आप लोग भाई प्लीज़ लाइक करो यार, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और भाई सपोर्ट किया करो। तो गाइस और भाई अपन किसी के साथ गलत काम नहीं करते दोस्त, और भाई आप हमारे ऊपर मतलब पूरा 100% ट्रस्ट कर सकते हो। अगर आप ट्रस्ट करोगे मेरे ऊपर तो भाई आपको निराशा कभी भी नहीं मिलेगी भाई, ये भाई हम बोल सकते हैं, ठीक है। और भाई हमारे साथ जो गलत काम करने की कोशिश करेगा भाई, हम उसको कभी छोड़ेंगे नहीं, इतना जान लो, ठीक है गाइस। तो आगे बढ़ते और आगे देखते गाइस भाई के पास और क्या क्या है, ठीक है। तो भाई ये देखो क्या ही डांस कर रहा है भाई लोग, इमोट कलेक्शन तो हम लोग देखें भाई, इन एनिमेशन भी है भाई के पास,
तो इन एनिमेशन भी देखेंगे, पहले इमोट देख लेते। तो टोटल 29 इमोट था, उसमें से भाई हम लोगों ने तो लगभग सब कुछ देख ही लिया। ये मून फ्लिप वगैरह देख सकते हो, फिर ये शेकड वाला शेक शेक भाई, उसके बाद ये धाकी तिकी वाला इमोट है कि नहीं भाई, बस ताली बजा रहा, चलो यार बहुत ही हार्ड। तो भाई इन एनिमेशन की बात करें तो भाई के पास ये कोबरा वाला भाई बाइक जो आता है इन एनिमेशन, तो वो वाला भाई के पास इन एनिमेशन है, ठीक है। तो भाई बैकपैक वगैरह की बात करें तो देख सकते हो, बैकपैक भाई 54 है भाई, इतना सारा बैकपैक आप क्या ही करोगे। तो भाई लूटबॉक्स की बात करें तो लूटबॉक्स भी 29 लूटबॉक्स है यार, कम नहीं है भाई। तो लूटबॉक्स भी देख लो आप लोग भाई, आपको जो पसंद आता है भाई आप लोग वीडियो पॉज करके देख सकते हो कौन कौन सा है, ठीक है। तो बाकी हम लोग भाई हम लोग चलते हैं व्हीकल वगैरह में भी देख लेते। गाड़ी देखो यार, सोने की कार है भाई, चमचमाती हुई भाई सब, क्या ही लग रही है, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। आपको कैसी लग रही है भाई कमेंट करके बता सकते हो। और भाई बहुत सारा मतलब कार वगैरह, मनी हाइस्ट का भी कार है बहुत सारा है। तो भाई बाइकें वगैरह भी बहुत सारी बाइकें हैं, ठीक है। तो ऐसा जो भाई अच्छा ही है भाई कलेक्शन, मुझे कोई ख़राब नहीं लगा यार कलेक्शन, ठीक है, मुझे भाई ख़राब नहीं लगा, जो बात है क्लियर है, ठीक है। बाकी टोकन वगैरह भी देख लेते हैं। एलिवेशन स्टोन की बात करें तो 7 एलिवेशन स्टोन है, मैजिक क्यूब है, मैजिक क्यूब फ्रेगमेंट वगैरह है। तो भाई कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बहुत सारा टोकन वगैरह सब कुछ है। अब मैजिक क्यूब में कोई बंडल भी परचेज कर सकते हो, ठीक है। तो यार भाई चलो यार वीडियो में अभी लास्ट तक हम लोग पहुँच ही गए, तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा सी यू अगेन। और हाँ दोस्तों भाई, अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए या फिर मेरे से कांटेक्ट करना चाहते हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम में मैसेज करना भाई, मेरा डिस्क्रिप्शन में भाई मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिया हुआ है। और एक बात भाई, गोल्डन भाई के पास चल रहा है देखो मेंबरशिप, देख सकते हो गाइस। ये मैंने लास्ट में इसीलिए दिखा है भाई क्योंकि यार बहुत सारे बंदे बोलेंगे कि भाई ये नाउ टॉपअप लिख के भाई टॉपअप करते हो, तो भाई ऐसा सॉरी यार इस मतलब इन चीज़ों के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।